हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स का भी रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक के हर चैप्टर में इसका यूज होता है, इसलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कि रेशियो, अनुपात। अनुपात आखिरकार होता है क्या? तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। जैसे हमको दिया हुआ है ए अनुपात बी है, तो क्या है यहाँ पे ए और बी के बीच तुलना किया गया है। जैसे हमको दिया है कि चार अनुपात दो है, तो चार और दो जो कि एक सजातीय है, सजातीय एक समान जात की है, और इसके बीच हमको तुलना किया गया है। फ्रेंड्स, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, रेशियो का मतलब होता है बट्टा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4/2। तो अब जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2/1। इसका मीनिंग हुआ कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, इसके दोनों के बीच कंपेरिजन किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। ये होता है कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ है जिसको जानना बहुत बेहद जरूरी होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ देता है कि ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करें, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। और यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो जो कि नाम थोड़ा अजीब लगता है, इंग्लिश नाम थोड़ा अजीब लगता है, इसका हिंदी होता है वर्गानुपात, वर्गानुपात होता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन पूछ दे कि ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करें, तो डायरेक्ट इसका हो जाता है, इसका डायरेक्ट ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा। ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका रेशियो हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दे कि 2/4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 2/4 का डुप्लीकेट रेशियो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4:16 इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो होता है डुप्लीकेट रेशियो का जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर हमको क्वेश्चन पूछ दे कि ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशियो निकाले, तो डायरेक्ट ये सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है √a/b हो जाता है, √a/b हो जाता है। जैसे हमको क्वेश्चन पूछ दे कि 4/25 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका √ हो जाएगा 4/25, इसका आंसर हो जाएगा 2/5, 2/5 इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। उसके बाद आता है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है अगर हमको कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ए अनुपात बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ज्ञात करें, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ज्ञात करें, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है AQ/BQ होता है, AQ/BQ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 3/3/4 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो डायरेक्ट इसका 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 4 का क्यूब 64, 27/64 इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो का ये उल्टा हो जाता है। डायरेक्ट ये हो जाएगा अगर ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे, तो ये हो जाएगा सीधा √a/b हो जाएगा। अगर हमको क्वेश्चन पूछ दे कि 64/27 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो इसका ये हो जाएगा √64/27। अगर 64 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सबके नाम में छुपा हुआ है। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट होता है कि प्रोपोर्शन, समानुपात क्या होता है। समानुपात होता है दो अनुपात जब आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। दो अनुपात मतलब कि जैसे अगर दिया रहे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, जब ये दोनों बराबर हो तो इसे ही समानुपात कहा जाता है। जब दो अनुपात आपस में
बराबर हो तो समानुपात कहा जाता है। फ्रेंड्स समानुपात को इस तरह से डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, हम जानते हैं कि अनुपात को बट्टा में लिखा जाता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, इजी वे से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ए गुने डी बराबर बी गुने सी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ये हमको एक रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए डी है, ए डी ए और डी है, उसके बाद बी सी है, माने कि यहाँ पे देखते हैं गौर से तो यहाँ पे क्या है, इनर आउटर आउटर का गुना है, आउटर आउटर का गुना और इनर इनर का गुना बराबर है। तो इस तरह से आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जहाँ पे प्रोपोर्शन दिया रहे तो इसमें आउटर आउटर का गुना होता है और इनर इनर का गुना, जो कि माने बाहरी संख्या का गुना और आंतरिक संख्या का गुना, जो दोनों बराबर होता है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, तीन संख्या दे दिया रहेगा और पूछ देगा कि चौथा संख्या ज्ञात करें। चलिए दोस्तों इस पर एक एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार है कि किसी समानुपात के तीन पद दो चार छ है तो चौथा पद ज्ञात करें। तो देखिए हमको अगर यहाँ पर दिया हुआ है तीन पद दिया हुआ है, दो चार छः है तो चौथा पद, मान लिया कि फोर्थ पद दिया हुआ है, हम एक्स मान लिए, तो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे दो अनुपात चार बराबर चार अनुपात छः अनुपात एक्स हो जाएगा। अब क्या होता है, हम पहले डिस्कस किया कि समानुपात के केस में क्या करते हैं, अंत आउटर आउटर का गुना और आउटर आउटर का गुना और इनर इनर का गुना, जो कि दोनों बराबर होता है। तो क्या करेंगे, आउटर आउटर का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स बराबर चौबीस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से समानुपात के केस में क्या किया जाता है। इसमें याद रखना है कि आउटर आउटर का गुना करेंगे और इनर इनर का गुना करेंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स राइटिंग पैड पर लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, जिसके कारण उतना अच्छा राइटिंग नहीं होता है, धीरे प्रैक्टिस होने के बाद अच्छा से राइटिंग लिखा जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है तीन अनुपात पाँच, बी अनुपात सी दिया हुआ है दो अनुपात सात, तो हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का ज्ञात वैल्यू ज्ञात करना है। हमको दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है तीन अनुपात पाँच और बी अनुपात सी दिया हुआ है दो अनुपात सात। देखिए फ्रेंड्स इसको दो प्रोसेस तीन प्रोसेस से निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पर जो कॉमन टर्म है उसको इक्वेट करके निकाल सकते हैं, या इसको एक और प्रोसेस से निकाल सकते हैं। देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है तीन अनुपात पाँच और उसके बाद दिया हुआ है बी अनुपात सी दिया हुआ है दो अनुपात सात। इसको हम दो तीन प्रोसेस से निकाल सकते हैं, या तो इसको इक्वेट करके निकाल सकते हैं। जैसे में इसको देखिए हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तीन अनुपात पाँच और बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है दो अनुपात सात। अब जो जिसके सामने में बगल में है उसको रिपीट करके लिख देंगे, तो सी के बगल में क्या है पाँच है, तो इसको पाँच लिख देंगे रिपीट कर देंगे। उसके बाद ए के नीचे क्या है दो इसके बगल में है, तो दो इसको रिपीट कर देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा सिक्स छः अनुपात दस अनुपात पैंतीस, यही इसका रेशियो आ जाएगा। अब इसको एक तरह तरीका से और बना सकते हैं, जैसे हमको निकालना है ए अनुपात, ये तरीका यही है, इसी से निकल के आया है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। देखिए हमको ए निकालना है, तो ए कहाँ पे है यहाँ पे, उस पर कहीं नहीं तो डायरेक्ट नीचे की तरफ चलाएंगे, तो तीन गुने छः तीन गुने दो बराबर छः। उसके बाद बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, उस पर इधर है, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा दस। उसके बाद सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ जाएंगे, तो सात पाँच पैंतीस। देखिए फ्रेंड्स इससे भी यही रिजल्ट आया है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं और जो कॉमन फैक्टर है उसको भी इक्वेट करके बराबर करके भी निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि यदि यदि ए अनुपात बी दिया हुआ है एक अनुपात दो, बी अनुपात सी दिया हुआ है तीन अनुपात चार और सी अनुपात डी दिया हुआ है पाँच अनुपात तीन, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स हमको दिया हुआ है ए अनुपात बी दिया हुआ है एक अनुपात दो, उसके बाद बी अनुपात सी दिया हुआ है
तीन अनुपात चार, उसके बाद सी अनुपात डी दिया हुआ है हमको, पाँच अनुपात तीन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। तो फ्रेंड जो जिसके निर्देश हमको ए अनुपात बी का दिया हुआ है एक अनुपात दो, फिर बी अनुपात सी दिया हुआ है तीन अनुपात चार, उसके बाद फिर सी अनुपात डी क्या दिया हुआ है पाँच अनुपात तीन दिया हुआ है। अब जो जिसके बगल में उस संख्या को रिपीट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा चार, यहाँ पर आ जाएगा दो बगल में, फिर दो दो ही रिपीट करेगा दो आ जाएगा, यहाँ इसके बगल में तीन है तो तीन लिख देंगे, फिर इसके बगल में पाँच आ जाएगा, फिर इसके बगल में भी पाँच आ जाएगा और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा पाँच तिहाई पंद्रह, पंद्रह अनुपात तीन दुनी छः पंचे तीस, अनुपात चार दुनी आठ पंचे चालीस, अनुपात चार दुनी आठ रिक चौबीस, यही इसका रेशियो आ जाएगा, कोई कट वाला तो नहीं है, यही इसका नेट रेशियो आ जाएगा। इसको देखिए सेकेंड प्रोसेस से भी कर सकते हैं, प्रोसेस यही है, बस इसको तो लिख शॉर्टकट से लिखा जाता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख देंगे। फ्रेंड्स इसको थोड़ा समझना है, ध्यान से समझना है, बस बहुत इजी प्रोसेस है, हमको ए निकालना है, ए कहाँ यहाँ पे है, उसके बाद कहीं नहीं डायरेक्ट नीचे की तरफ चले आएंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे तो क्या आ जाएगा तीन ए गुने तीन गुने पाँच, तो पाँच तिहाई पंद्रह आ जाएगा। उसके बाद बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, उसके बाद कहाँ यहाँ पे है, तो अब फिर उसके बाद कहीं नहीं तो डायरेक्ट नीचे की तरफ चले आएंगे, तो ये हो जाएगा तीन दुनी छः पंचे तीस, छः पंचे तीस। उसके बाद सी कहाँ पे है, सी हमको यहाँ पे है, तो यहाँ पे आने के लिए पहले ऊपर से ऐसे आना पड़ेगा, उसके बाद किधर है इधर है, तो इसी तरह यहाँ पर गुना करेंगे तो चार दुनी आठ पंचे चालीस, ये हो जाएगा चालीस हो जाएगा। उसके बाद डी, डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो डायरेक्ट ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ चलाएंगे, तो चार दुनी आठ त्रिक चौबीस। देखिए दोनों दोनों प्रोसेस यही आया है, बस ये थोड़ा इजी है, एक ही लाइन में हो जाता है, इसी प्रोसेस से निकालने का प्रयास कीजिएगा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि यदि यदि एक्स इजकल टू वन बाई थ्री वाई, वाई इजकल टू वन बाई टू जेड, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान ज्ञात करें। हमको दिया हुआ है एक्स बराबर एक बटा तीन वाई दिया हुआ है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे y को इधर ले आएंगे, y को यहाँ पे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमको x बटा y बराबर एक बटा तीन, तो x और y का अनुपात क्या हो जाएगा एक अनुपात तीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद दिया हुआ है कि y बराबर एक बटा दो टू जेड, तो z को इधर नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा y बटा z बराबर एक बटा दो। अब y अनुपात z का वैल्यू कितना आ जाएगा, y अनुपात z का मान आ जाएगा एक अनुपात दो। अब हमको निकालना है x अनुपात y अनुपात z, तो x अनुपात y अनुपात z निकालना है, तो x अनुपात y कितना है एक अनुपात तीन, y अनुपात z कितना है एक अनुपात दो। अब जो जिसके बगल में है उसको रिपीट करके लिख देंगे, इसके बगल में तीन है तो तीन लिख देंगे, इसके बगल में एक है तो एक रिपीट कर देंगे, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा एक अनुपात तीन और तीन गुने दो बराबर छः, एक अनुपात तीन अनुपात छः कौन है, एक अनुपात तीन अनुपात छः, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब सेकेंड प्रोसेस करते हैं, हमको निकालना है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालना है, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालना है, तो एक्स कहाँ पे यहाँ पे है, उस बार कहीं नहीं है तो डायरेक्ट नीचे की तरफ चले आएंगे, तो इसका आ जाएगा एक अनुपात, उस बार y कहाँ पे है y यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है इधर है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा तीन। उसके बाद z कहाँ पे है, z यहाँ पे है और उसके बाद क्या नहीं कहीं है, तो ऊपर से डायरेक्ट इधर नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा छः हो जाएगा, तो एक अनुपात तीन अनुपात सिक्स, ये इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन सबको बस ध्यान से थोड़ा थोड़ा समझना है और कुछ प्रैक्टिस करना है, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको इस कुछ रेशियो प्रोपोर्शन से जितने भी क्वेश्चन का हो सक जितने भी पार्ट बनेगा उस सभी को पार्ट का हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है एक अनुपात तीन, उसके बाद दिया हुआ है सी अनुपात ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है पाँच अनुपात सात, तो कह रहा है कि बी अनुपात ए प्लस सी का मान ज्ञात करें। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ क्या है दिया हुआ है, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, चूँकि अनुपात का मतलब होता है बट्टा,
तो ए बट्टा बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख देंगे। उसके बाद फिर दिया हुआ है सी बट्टा ए प्लस बी बराबर 5/7, ये है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं तो इसका वैल्यू टोटल वैल्यू कितना आता है, 4 आता है, और इसका टोटल वैल्यू आता है 12 आता है। फ्रेंड्स यहाँ गौर से देखेंगे तो यहाँ पे सी का वैल्यू दिया हुआ है 5, और यहाँ पे बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा बैलेंस नहीं है, अर्थात यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ रहा है 4, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ रहा है 12 आ रहा है। तो हमको 12 दोनों को 12 करना पड़ेगा। तो 12 करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ए बट्टा बी प्लस सी बराबर आपका आ जाएगा 3/9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा सी बट्टा ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 5/7, इसमें 5/7 ही रह जाएगा, इसमें 1 से गुणा किया जाएगा। तो हमको क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ए का वैल्यू हमको 3 आ गया है, और सी का वैल्यू आ गया हमको 5 आ गया है। ए और सी का वैल्यू आ गया 5, और टोटल ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 12 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमको बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस सी मिलाकर 8 है, तो बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि बी बट्टा ए प्लस सी का मान क्या हो जाएगा। तो बी कितना है, 4 बट्टा ए प्लस सी। तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी 3 और प्लस 5 बराबर 8 हो जाएगा, 1/2 इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 1/2 इसका 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि यदि ए अनुपात बी 1/2:3/8 है, तथा बी अनुपात सी 1/3:5/9 है, और सी अनुपात डी 5/6:3/4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। हमको ए अनुपात बी दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 1/2:3/8 दिया हुआ है। फ्रेंड्स इस टाइप के रेशियो अगर फ्रैक्शन में जब रेशियो हो तो इसका हर का जो कि एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, 8 आएगा, एलसीएम 8 आएगा, और सभी में 8 से जितना एलसीएम आएगा उससे उसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमको कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, ये अगर ये हो जाएगा 8 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। हमको ए अनुपात बी का वैल्यू आ गया, ए अनुपात बी का मान आ गया 4:3। उस पर हमको दिया हुआ है कि बी अनुपात सी दिया हुआ है 1/3:5/9। अब यहाँ देखेंगे 5, 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसमें हम 9 से गुना कर देंगे, 9 से हम गुना कर देंगे, क्योंकि एलसीएम में हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसके नेट, अगर रेशियो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसके नेट रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि रेशियो को हम किसी भी संख्या से गुना करके इसके मान को बढ़ाते हैं तथा भाग देकर इसके मान को घटाते हैं। तो यहाँ पर 9 से गुना करे बेटा क्या होगा, 9 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3:3, और 9 में 9 से 1 मरतबे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो हमको बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, 3:5 आ गया। उसके बाद हमको दिया हुआ है सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है, 5/6:3/4 दिया हुआ है। इसका दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को 6 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2, तो 5 × 2 = 10, फिर इसको 12 में 4 से भाग देंगे तो 3×4 = 12, 10:9 आएगा। हमको ये सब का अनुपात निकल गया। अब हमको निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। तो ए अनुपात बी कितना है, 4:3। उसके बाद बी अनुपात सी कितना निकाले हैं, 3:5। उसके बाद सी अनुपात डी कितना निकाले हैं, सी अनुपात डी निकाले हैं 10:9। अब जो जिसके नज़दीक में है उसको रिपीट कर देंगे तो सी के नीचे फिर 3 आ जाएगा, फिर भी इसके नीचे भी 3 आ जाएगा, रिपीट कर देगा, इसके नीचे 5 आ जाएगा,
फिर इसके बगल में आ जाएगा तीन, तीन को रिपीट करेंगे, फिर इसके बगल में आ जाएगा दस, फिर इसके बगल में भी दस ही रिपीट करेगा। अब सबको गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद चार तिहाई बारह दही के 120 अनुपात, तीन तिहाई नौ दही के 90 अनुपात, पाँच तिहाई पंद्रह दही के 150 अनुपात, पाँच तिहाई पंद्रह नौमा 135, ये हो जाएगा। अब सबको हम किससे काटेंगे, 15 से कट जाएगा ये सब, तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120, आठ अनुपात 15 छक्के 90, 15 ढाई के 150, 15 नौमा 135, हमको रेशियो आ जाएगा 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, ये इसका 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9 इसका लगता है सी ऑप्शन, सी में ही है सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसको सेकेंड प्रोसेस से निकालते हैं, जैसे हमको निकालना है ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी निकालना है। देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ पे ए अनुपात, बी अनुपात, ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं नहीं है, डायरेक्ट नीचे की तरफ चले आएंगे, नीचे की तरफ गुना करते के लिए करते हुए चले आएंगे, तो चार तिहाई बारह दाई के 120 यही आएगा। फिर उसके बाद बी, बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, उसके बाद फिर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आने के बाद फिर क्रॉस आने के बाद फिर सीध में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा तीन तिहाई नौ दाही के 90। फिर उसके बाद सी कहाँ पे, सी यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के लिए पहले यहाँ से सीध माना पड़ेगा, उसके बाद किधर है, इधर है, तो इस टाइप के आ जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा सी, तो पाँच तिहाई पंद्रह, पाँच तिहाई पंद्रह दाही के 150, 150 हो जाएगा। उसके बाद डी, डी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ चले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपको पाँच तिहाई पंद्रह नौमा 135, यही रिजल्ट आया है। बस आपको जो अच्छा लगे दोनों प्रोसेस में उस प्रोसेस से आप बना सकते हैं, इसको फिर 15 से गुण भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है शॉर्टेस्ट ये निकालना है, तो हम इसको 15 से भाग देंगे, तो 15 अट्ठे 120, 15 छक्के 90, 15 ढाई के 150 और 15 नवा 135, ये मेरा रेशियो आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए का दुगुना बी के तिगुने व सी के चार गुने के बराबर है, ए का दुगुना बी के तिगुने व सी के चार गुने बराबर हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स आज बेसिक क्लास है, इसलिए थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन देकर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको जब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को दूँ तो आप खुद बना सकें। देखिए दोस्तों हमको दिया हुआ है ए अनुपात बी, ए का दुगुना, ए का दुगुना यह ए का दुगुना, तो ए का दुगुना, ए का दुगुना बी के तिगुने, बी के तिगुने सी के चार गुने, सी के चार गुने जो कि आपस में बराबर है, तो कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। इसको हम लिख सकते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c। फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसको तीन प्रोसेस से बना सकते हैं। एक तो ये है, अगर ए करे ए अनुपात, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो अगर ए का अनुपात निकालना है तो इसको ढक देंगे, इसको झाँप देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा चार तिहाई बारह। उसके बाद बी निकालना है तो बी निकालना है तो इसको ढक देंगे और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आठ। सी निकालना है तो सी को ढक देंगे और इसको गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको तीन दूनी छः। अब कटेगा किससे कटेगा, दो से काट देंगे तो ये जाएगा छः अनुपात चार अनुपात तीन, छः अनुपात चार अनुपात तीन, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एक तो एक ये प्रोसेस हो गया, एक ये प्रोसेस है कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा बारह आएगा, और बारह आने के बाद क्या करेंगे, सभी को बारह से भाग कर देंगे, तो बारह से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स अनुपात फोर अनुपात, और फिर बारह को चार से भाग देंगे तो थ्री, यही इससे भी यही रिजल्ट आएगा। इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है कि यदि ए अनुपात ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान दिया हुआ है छः अनुपात सात अनुपात आठ दिया हुआ है, तो ए प्लस और ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है चौदह हो, तो सी का मान ज्ञात करें। हमको ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान दिया हुआ है, तो देखिए फ्रेंड्स हम सबको इस सबको एक्स मान लेंगे। जैसे हमको दिया हुआ है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस
ए अनुपात दिया हुआ है हमको 6:7:8 दिया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे हम इसको ये लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 6x, बी प्लस सबको हम x मान लें, बी प्लस सी बराबर 7x और सी प्लस ए बराबर 8x। सबको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, एक ए 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना जाएगा 8 7 15 6 21x, 21x आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 into a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x। फिर उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 2 × 14 बराबर 21x, तो x इसको हम काटेंगे तो 7 × 14 7 21, तो x का मान हमको आ गया 4/3 आ गया है। अब हमको निकालना है कि c का मान ज्ञात करें, तो c का मान ज्ञात करने के लिए a प्लस बी का मान ज्ञात करके a प्लस बी प्लस सी में से अगर a प्लस बी घटा देंगे तो हमको c का मान आ जाएगा। तो a प्लस सी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6x इसको माने हुए, तो 6 × 4/3 करेंगे तो ये 4 × 3 × 2 = 6, तो ये आ जाएगा हमको 8 आ गया। a प्लस बी का मान हो गया 8 और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, सी का मान हमको 4 आ जाएगा। इस तरह से आप a प्लस बी प्लस सी तीनों ज्ञात कर सकते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं। अब आता है कि मीन प्रोपोर्शन। दोस्तों आपको तीन टाइप का प्रोपोर्शन ज्ञात करना निकालना पड़ सकता है, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन में आपको दो संख्या दिया रहेगा, जैसे में ए और बी दिया रहेगा और कहेगा कि इसका मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करें, मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करें। तो मीन प्रोपोर्शन मान लिया है कि इसको हम एक्स मान लिए, मीन प्रोपोर्शन को एमपी को मीन प्रोपोर्शन इसको हम थर्ड शॉर्टकट में लिखे हैं, इसको हम एक्स मान लिए। तो इसमें देखिए किस तरह से लिखते हैं, हमको मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपाती निकालना है, तो हमको मिडिल का संख्या निकालना है, तो बीच वाला संख्या को इसको हम रिपीट करेंगे। तो इसको हम कैसे समानुपात बनाते हैं, देखते हैं। देखिए ए अनुपात एक्स, फिर से समानुपात एक्स अनुपात बी लिख देंगे हम। आपको जब प्रोपोर्शन के बारे में बताए हैं तो प्रोपोर्शन में क्या कहें हैं कि इनर इनर का गुना होता है और आउटर आउटर का गुना होता है, इनर इनर का गुना होता है और आउटर आउटर का गुना, जो कि दोनों बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, इसको बेसिक प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी हो गया। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट ए बी, यही इसका रिजल्ट आ गया। आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक समझा दूँ, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिए कि 9 और 64 का मध्य समानुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए डायरेक्ट इसको अंडर रूट कर देंगे 9 × 64 कर देंगे। तो 9 अगर बाहर निकालेंगे तो 9 कितना आ जाएगा 3 × 8 = 24, ये आ जाएगा 24 इसका आंसर आ जाएगा, इसका मध्य समानुपाती 24 हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट है कि थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है इसमें भी दो ही संख्या दिया रहेगा, कहा है कि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करें, थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करें, इसमें दो संख्या आपको गिवन रहेगा। तो हम थर्ड प्रोपोर्शन को मान लिया है कि थर्ड प्रोपोर्शन को टीटे समान पार्ट को हम मान लिया एक्स मान लिया। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं ए अनुपात बी समानुपात बी और अनुपात एक्स, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ है जिसको जानना बेहद जरूरी होता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ही अक्सर ही पूछते रहता है, इसीलिए आप इसको कॉन्सेप्चुअल समझिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट से आपको समझना है। थर्ड संख्या निकालना है तो थर्ड संख्या यहाँ पे एक्स लिख दिया, उस पर हम क्या करेंगे, इसमें क्या आपको बताया है कि इनर इनर का गुना करते हैं और आउटर आउटर का गुना करते हैं, तो इनर इनर गुना कर देंगे आउटर आउटर गुना करेंगे, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा हमको बी स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आप लोग समझ सकते हैं, अच्छा समझ गए होंगे। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा ए हो जाएगा, यही एक फॉर्मूला आपको निकल गया कि अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना हो तो इसका होता है बी स्क्वायर बाई ए। तो दोस्तों इसका एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल हमको दिया हुआ है कि 12.5 और 25 का ट्रीटीय समानुपात क्या होगा, 12.5 और 25 का ट्रीटीय समानुपात क्या होगा। तो हमको ए का वैल्यू दिया हुआ है 12.5, बी का वैल्यू दिया हुआ है 25, तो इसका करा ट्रीटीय समानुपात क्या होगा, तो हमको थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है बी स्क्वायर बट्टा
ए होता है, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 गुने 25 बट्टा 12.5। फ्रेंड्स इसको पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 25 पंच 125 और 50 25, 5 मरतबे कट जाएगा, तो इसका नेट आंसर कितना आ जाएगा, 50 इसका आंसर आ जाएगा, इसका थर्ड प्रोपोर्शन 50 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको तीन संख्या गिवन रहेगा, जैसे ए बी और सी दिया रहेगा, कहेगा किसका फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करें, फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करें, चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। तो इसमें क्या होता है, जैसे में यहाँ पे क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात, मान लीजिए थर्ड प्रोपोर्शन को हम यहाँ पे एक्स मान लिए हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात एक्स, बस इसको एक्स लेकर लास्ट में डाल देना है, ये सबसे आसान है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको इनर इनर से गुना करेंगे, आउटर आउटर से गुना करेंगे, इनर इनर से गुना करेंगे और आउटर आउटर से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर हो जाएगा बी सी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी सी बट्टा ए, अर्थात सेकेंड संख्या का मल्टीप्लाई थर्ड संख्या का मल्टीप्लाई बट्टा फर्स्ट संख्या। इसको भी आप इसको याद कर लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल समझ लीजिएगा कि किस तरह से ये किया गया है। इसका डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बी सी बाई ए लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 12 21 और 8 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा, तो चतुर्थ समानुपात आपको क्या बताए हैं, चतुर्थ समानुपात फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या कहे हैं, बी सी बटा ए, बी सी बटा ए। तो यहाँ पे बी बी कितना है, बी दिया हुआ है 21 और सी कितना है 8 बट्टा ए, ए कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, चलिए काटेंगे तो 4 2 8 4 3 12 इसको काटेंगे तो 7 3 21 इसका आंसर आ जाएगा हमको 14। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात इसका आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन हमको इस टाइप का क्वेश्चन है कि वह एक दशमलव आठ और 3.2 के बीच मध्य समानुपात मीन प्रोपोर्शन और 5 और 3 के बीच तृतीय अनुपात क्या होगा, मान तृतीय समानुपात का अनुपात क्या होगा, तो हमको दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये आज के वीडियो में आपको बस हिंदी भाषा में क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले वीडियो से आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। देखिए हमको 1:8 और 3:2 के बीच 3:2 के बीच कह रहा है मध्य समानुपाति ज्ञात करने के लिए, मान मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करने के लिए, तो मीन प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या जाएगा, अंडर रूट ए बी, तो 1.8 × 3.2। फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, नीचे 10 से दशमलव हटाने के लिए 10 से गुना भाग देना पड़ेगा, यहाँ भी 10 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एम पी है माने मीन प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 बाहर निकल जाएगा। हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं, तो आप 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 16 लिख सकते हैं और अंडर रूट लगा देंगे और बाहर 10 बाहर 3 बाहर निकल जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक और एक दोनों ये बाहर निकल जाएगा, तो 2 × फिर 9 का बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4, तो ये हो जाएगा 4 3 12 2 24 10 है, तो 24 10 इसको जब काटेंगे तो 12/5 ये आ जाएगा, इसका मीन प्रोपोर्शन 12/5 आ गया। फिर आप उसको बात कराए 5 और 3 का तृतीय अनुपात क्या, तृतीय अनुपात आप निकालेंगे तो तृतीय अनुपात क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फ्रेंड्स थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 9/8 तो 5। अब कराए कि मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन के मध्य अनुपात ज्ञात करें, इसका मीन प्रोपोर्शन और इसका थर्ड प्रोपोर्शन के बीच का अनुपात क्या होगा, तो मीन प्रोपोर्शन कितना दिया हुआ है 12/5 आया है और उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन कितना हुआ है 9/5 आया है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 3 12 3 3 9 4 3 4 3, इसका बी ऑप्शन 4 3 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको हम रेशियो प्रोपोर्शन के और अच्छे लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वो भी बाइलिंगुअल दोनों भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन रहेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
ताकि फ्रेंड्स इसका लाभ सभी स्टूडेंट को मिल सके। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।